किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दोस्तों, मुकेश साहब की जिंदगी का फलसफा यही गीत था। आज बात करेंगे मुकेश साहब की। मुकेश साहब की आवाज जितनी मीठी उतने ही अच्छे इंसान थे मुकेश जी। उनके बेटे नितिन मुकेश जी ने कुछ बातें मुकेश जी के बारे में बताई थी जो आज मैं यहाँ शेयर करने वाला हूँ। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि मुकेश साहब बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, करीब 5 बजे के आसपास, और अपना दिन शुरू करते थे अपने रियाज के साथ। वो मंदिर के सामने बैठ के रियाज करते थे, और उनका कहना है कि जब वो रियाज शुरू करते थे तो पड़ोस के लोग दीवार पे कान लगा के उनका रियाज सुना करते थे। ऐसे थे मुकेश जी। दोस्तों, मुकेश जी अक्सर कहा करते थे कि सिंगिंग इज ए ब्यूटीफुल थिंग बट ए पेनफुल प्रोफेशन, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया था, बहुत स्ट्रगल किया था। आज जो मैं किस्सा शेयर करने वाला हूं ये है फिल्म संगम का, जो कि रिलीज हुई थी 1964 में, और इसमें एक बहुत फेमस सॉन्ग था, दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा। ये गीत इतना बड़ा हिट हुआ कि आज तक लोगों की जुबान पे रहता है, और बहुत सुरीला गीत था। शंकर जयकिशन के म्यूजिक में ये गीत बहुत हिट हुआ। उसके बाद नितिन मुकेश जी बताते हैं कि हमारा 2 कमरों का फ्लैट था जिसमें हम रहा करते थे, तब इस गीत के हिट होने के बाद शंकर जयकिशन साहब ने बहुत सारे फूल मंगवाए। एक फूलों की शॉप से सारे के सारे फूल शंकर जयकिशन साहब ने परचेज करके मुकेश साहब के घर में भिजवा दिए। और नितिन मुकेश जी ने आगे बताया कि जब सब लोग घर में आए तो देखा कि पूरा घर फूलों से भरा हुआ है, हर तरफ फूल ही फूल है। ये थी मुकेश के गाने की खूबसूरती और उनके गीत हिट होने का इनाम। तब नितिन मुकेश जी ने वो सारे फूल पड़ोसियों तक को भिजवाए। ऐसी थी मुकेश जी की गायकी और ऐसे थे मुकेश जी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी और किस्से के साथ किसी और प्रोग्राम में।